स्टॉक खत्म हो गया, रिफिल हो गया. हैबी हैबी पूरे. आई फील दैट यू गाइस आर डिसअपॉइंटेड. देन आज संडे तो आज थोड़ा सा हेक्टिक रहता है इन टर्म्स ऑफ फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस. सो कल ये मैंने स्ट्रॉबेरीज खरीदे थे ट्रैफिक सिग्नल से, वो मैं भी खा रही हूँ सुबह. और कल मैंने सिंपल फूडी के लिए वीडियो शूट किया था तो उसका किया था, तो कल खाया था थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही खाया था. इसलिए आज मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का खाऊंगा, लाइक फ्रूट्स सूप समथिंग. वी केम बैक होम और अभी बज रहे 12. आज बहुत लेट हो गया हम लोगों को. सैटरडे संडेज आर लाइक गुड, इट्स गुड, आई लव द प्रेशर. 12 बज रहे हैं और अभी मेरे को खाना पड़ेगा बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट्स खाया था सुबह बस वो. उसके बाद कैफे चली गई, उसके बाद आके तो अभी बहुत मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रहा. अभी मेरे को खाना मम्मी ने बनाया है यमी राइस एंड चिकन एंड झोल. सो आई विल बी ईटिंग राइस एंड झोल. हो देखो क्या था कॉमेंट में, क्या आया था तेरे कि लोग बंगाली फैमिली में क्या होता है वो नहीं कि प्राची से मैं ज्यादा अच्छा पीस मैं खाता हूं. ओह तेरे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है. ही इज द लीस्ट प्रिविलेज्ड. एग्जैक्टली. नहीं और बिट्टू आई थिंक इस घर में मैं सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई हूँ. मेरे को सबसे ज्यादा पैम्पर हुआ जाता है. बिट्टू इज द लीस्ट वन. उसको मम्मी पापा बिल्कुल. मम्मी पापा भाई बहन सबको मेरे को ज्यादा, बिकॉज पता नहीं जो बिगेस्ट चाइल्ड होता है ना वो थोड़ा सा वीक होता है, मेरी वीक इमोशनली फिजिकली. बिगेस्ट है तो पेट से. तो मम्मी अभी चिकन करी है, वेरी वेरी टेस्टी, वो खाएंगे. सो पापा आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, सच बताना. ये वाला दिखा. सच्ची रुको. अच्छा ये मेरा छोड़ के तो खाती. अच्छा ये छोड़ के मैं खाती नहीं, ये मेरा फेवरेट है. पापा आप सबसे ज्यादा किसका, सच बताना आज आपका फेवरेट बच्चा कौन है. नहीं मम्मी बताओ कौन है पापा का फेवरेट बच्चा. पापा का फेवरेट नहीं, पापा का फेवरेट कौन है बिट्टू बता. पिंको. पिंको. हाँ बट नहीं, जब से ये लड़का आया है ना हम लोगों का प्यार मिट गया. मम्मी पापा सिर्फ इसको प्यार करते और किसी को प्यार नहीं करते, है ना पापा. आपका फेवरेट सिंजू है ना. सिंजू सबका फेवरेट है. सबका प्यार ले लिया तूने, सबका प्यार ले लिया, मेरा प्यार ले लिया है. वेलकम टू अनदर वीक. आज वीक में बॉन्डिंग में आई कुडंट व्लॉग बिकॉज थोड़ा बहुत हेक्टिक चल रहा था. अभी राइट नाउ आई एम एट द रेस्टोरेंट एंड वी आर प्रेपिंग फॉर अनदर स्टॉल व्हिच वी आर पुटिंग अप दिस टाइम एट प्रेसिडेंसी कॉलेज. इट्स एन अमेजिंग इवेंट गोइंग ऑन टू हैपन. मैं जब ये व्लॉग डाल रही हूँ वो इवेंट हो चुका है 19, 20, 21. बट हाउएवर येस हाउ द प्रेपरेशन गोज ऑन, क्योंकि मंडे को हम लोगों का अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मंडे को सबसे ज्यादा काम होता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक चेकिंग एंड एवरीथिंग. बट दिस डे ऑल्सो डूइंग दिस. तो बिट्टू भैया सारा लिस्ट बना रहा है ऑफ द स्टॉक एंड पापा भी आए हैं क्योंकि पापा भी स्टॉक में हम लोग को हेल्प करेंगे. बच्चा क्या बोल रहा था. हाँ गोलू मोलू हमारा जा रहा है. एवरीवन वरुण प्राची एवरीवन कल इवेंट है तो हमने यहाँ पर अभी बनाया पूरा पिरामिड ऑफ कॉर्न डॉग. कल जाएगा इस इवेंट में. कल के लिए लोगों का एक मेनू बनाया है. कॉफ़ी पी रही हूँ अभी, एक ऑर्डर आया तो जाती हूँ. सुबह सुनो मेरा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो. नहीं पहले सुनो तो सही. 3 days ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे अभी बहुत काम है. मामा स्टॉल लगा रहा है ना, फूड स्टॉल. अरे हैंडशेक नहीं देना ठीक है. तुम समझता है, मेरे को पता है तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग है. तो हम लोग बहुत काम है अभी मम्मा के पास ठीक है. मम्मा 3 days काम कर लेगी, उसके बाद फ्राइडे आपको वॉकी वॉकी लेके जाएगी. ओके पक्का से वॉकी वॉकी लेके जाएगी. तब तक तुम गुड बॉय की तरह रहना ठीक है. मैं बोलो ना मम्मा कितना काम करेगी. मम्मा काम ही काम की जा रही है. मम्मा के जिंदगी भर काम करेगी पुन्नी. मम्मा को ब्रेक ही नहीं मिलता है. मम्मा पुन्नी को वॉकी वॉकी लेके जाएगी. घूमी घूमी कैसे लेके जाएगी बोलो. भगवान जी को बोलो, भगवान जी मम्मा को जल्दी से फ्री कर दो. मम्मा को थोड़ा फ्री कर दो ताकि हम लोग घूमी घूमी जाएंगे, हम लोग पूरी जाएंगे. ऑल डन, ऑल सेट, ऑल रेडी, सब सामान रेडी है. हाँ क्या मेरा क्या रेडी होगा. तेरा सब सामान रेडी है, अब उठाना स्टार्ट करें. हाँ ये मैं देखूंगी या तुम लोग देखोगे. वापस धूप आ गया क्या. ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना. यहाँ पर रेडी हो गया है काइंड ऑफ. आधा बन के जा रहा, आधा उधर बनेगा. सब एवरीथिंग इज डन. ऑल द बेस्ट. स्टाफ मटेरियल सब उसमें गया. अभी वरुण बिट्टू प्राची आर गोइंग. ऑल द बेस्ट. सारा अपडेट दे देना मेरे को. हाँ बाय. लिटरली दिस इज माय कंडीशन एडिटिंग एंड ये मेरे
मेरा अभी भी रेडी टू ईट फूड और भी एक कन्वीनियंस फूड रखा हुआ है जो मेरे को खाना है, चिप्स है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इधर रह गया था पग बुकी, कभी एक कॉर्न डॉग ले लिया एंड आई एम जस्ट ईटिंग दिस। कॉलेज में है तो आई डोंट नो हाउ द इवेंट इज, बट ठीक है, दिस इज जस्ट अ ट्रायल एंड थिंग वी आर डूइंग इट सो दैट यू नो अभी प्रैक्टिस हो जाए एंड ऑल, बट एक्साइटेड, लेट्स सी अभी जाके पता चलेगा, पहले उनको पिकअप कर लेते हैं। सरप्राइज, आई थिंक यू, आई फील दैट यू गाइस आर डिसअपॉइंटेड। हाँ, वाह प्राची, रियली डिसअपॉइंटेड और हैप्पी, क्या हुआ? पकड़ा गया तुम लोग किम्बाब खाते हुए, मजा आ रहा है? अभी तो हम लोग है नहीं यहाँ पर, बहुत कुछ लगा है, कल टुमारो आगे लगा है क्या? हाँ, यहाँ किम्बाब खाए जा रहे हैं, जो बिक्री नहीं हो रहा, नॉन वेज ही कोई नहीं खा रहा, वेज मैं तो बोला था, नॉन वेज। कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा चल रहा है, कम दिखा बिट्टू भैया तो इस कॉलेज को चप्पा चप्पा जान गए हैं ना भाई, सबसे दोस्ती कर ले इधर कॉलेज का बच्चा लोगों के साथ। चलो वाइंड ऑफ फॉर टुडे, फूड पम, इट्स वेडनेसडे एंड द वेदर इज सो अमेजिंग, ट्रूली रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड इट फील्स सो गुड, अमेजिंग। खिड़की के सामने गुटरगु कर रही हो, गुटरगु कर रही हूँ की बड़ो बड़ो बीता, डंडा लेने गया मेरा वो फंस गया, देख नहीं सिजवा, मजे ले रहे थे नेचुरल एसी में, मजे ले रहे थे, आंशिक दे दो, गुड मॉर्निंग दे दो, थैंक यू मम। वेदर टुडे इज सो फैबुलस, गुड मॉर्निंग। क्या टीका वीका लगा, एकदम साधु बन गए तुम। पापा कहाँ हैं? आपको अगर नहीं पता तो मेरे पापा मेरा सारा प्लम्बर वलम्बर का काम कराते हैं, पेंट का काम कराते रहते हैं, आए दिन आपको कैफे रेस्टोरेंट क्या इर्द गिर्द दिखेंगे, अभी प्लम्बिंग का काम करा रहे हैं, घूम घूम के क्या कर रहे हैं वही जानते हैं, लेट देम डू द वर्क। कैसे बैठे सबको, क्या हालत है, मेरे को कहाँ बैठा रहे हैं लोग, बाप रे बाप रे बाप। हाँ जाओ चलो, मैं आगे हो जाती हूँ ना, तो मासी को बुलाओ और नाला पूरा साफ करके उस तरफ पानी लेकर जाने, वही तो बोला तार है जब चालू करेंगे शॉर्ट होगा। हम लोग आए हैं ये कॉलेज का कैंटीन में, ये लोग स्टॉल लगाएगा थोड़ी देर में, अभी पहले खा ले रहा है उसके बाद स्टॉल लगाएंगे। ये लोग काका का कैंटीन का खाना क्या बहुत तारीफ किया था, यहाँ का कल से लोगों का काका कैंटीन का खाना था दुश्मन ने खा रहा था, अच्छा है कॉम्पिटिटर है, स्टॉल के टाइम में बंद रखो, खाना बहुत अच्छा है, क्लासिक है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सेटल किए बारिश में, क्या हालत था क्या बोले, जैसे तैसे करके तकलीफ कट करके स्टॉल बिठाया, जो मैं वरुण तो आने को ही नहीं मांग रहा, वहां पे खड़ा है तो खड़ा है, मैम वुड यू लाइक टू ईट, मैम दिस इज अ वुड लाइक टू ट्राई सम, एक लड़का तो खाना ही नहीं था, वरुण उसको बेच ही दिया, इज अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। वेल अभी कर दिया, अभी मैं तो जा रही हूँ रेस्टोरेंट क्योंकि हम लोग को स्टॉक बनाना पड़ेगा कल के लिए भी, और अभी भी किम्बाब खत्म हो गया है, जस्ट इन एन आवर किम्बाब खत्म हो गया, सो अभी मेरे को भिजवाना पड़ेगा, वरुण विल गो देयर एंड या काफी मजा आ रहा है, चैलेंजेस तो है डेफिनेटली, बट वट इज लाइफ विदाउट चैलेंज, वट इज वर्क विदाउट चैलेंज, और अभी बारिश भी हुआ है एंड कॉलेज स्ट्रीट एरिया आप लोगों को पता ही कैसा होता है, सो यार दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी चलो काम करते हैं, आई एम सो टायर्ड टुडे, अभी जस्ट केम बैक होम, मैंने तो ऑनेस्टली व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला, वी हैड टू मेक 100 कॉर्न डॉग्स फॉर टुमारो एंड या इट वाज अमेजिंग टुडे एट द इवेंट एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, पीपल लव्ड इट एंड सो मेनी पीपल डिडंट न्यू अबाउट दिस फूड लाइक किम्बाब कोरियन कॉर्न डॉग, स्पेशली विद कोरियन कॉर्न डॉग क्या होता है, लोग जो खा रहे थे ना, आई मैं तो वहाँ पर फर्स्ट हाफ आधे घंटे के लिए थी एंड देन आई सॉ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राइंग द कॉर्न डॉग एंड मुझे चीज फुल आ रहा था, दैट वाज सो सैटिस्फाइंग, इतना अच्छा लग रहा था, द स्माइल ऑन द फेस एंड ऑल, सो नाउ आई एम लुकिंग वेरी टायर्ड, ये फेस पे फिर भी आपको ढंका लग रहा है, बट रियलिटी विल द फेस हैज बिकम वेरी पैथेटिक, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम and yeah once everything is settled then I'll be
ठीक है, दिस पीरियड दिस हार्डवर्क विल पे मी ऑफ समडे इन द फ्यूचर, बट हाँ आज बहुत मजा आया, बहुत काम किया. वरुण प्राची बिट्टू स्टॉल में थे, मैं रेस्टोरेंट में थी, रेस्टोरेंट के भी ऑर्डर्स थे, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी थे, एंड हमें कल का स्टॉक भी बनाना था. सो माई टीम रियली वर्क हार्ड, आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी एंड लकी दैट आई हैव गॉट द बेस्ट टीम. सो अभी आई जस्ट वॉश माई फेस एंड यू नो मॉइस्चराइज माई स्किन. वैसे तो प्राची ने मेरे को नाइस केयर रूटीन भी दिया, बट आई कैन डू दोज, टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह हो जाता हुई काफी, बट ठीक है अभी मैं जाती हूँ. अभी भी खत्म नहीं हुआ, आई हैव टू गो हैव लिटिल फूड क्योंकि मेरा डाइट फिर ऊपर नीचे हो रहा है, एंड आई हैव टू सिट फॉर एडिटिंग. यस, आई हैव टू एडिट अ वीडियो. सो या लेट्स गो. सिंजुबा, हाय सिंजुबा, सिंजुबा चलो घूमी 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 जानी है, वॉकी वॉकी जानी है. इसको भी हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे, एकदम अच्छा नहीं लगा. ले 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 ट्रीट ले, ले ट्रीट ले. आप मेरे को छोड़ो, उसको देखो, उसको वो लड़की, वो मेरे को कितना मेरा नाम रोशन करी पता है. ये लड़की प्राची बचपन से शी इज वेरी कामचोर, वो बिल्कुल काम भी खाती थी, सिर्फ दो रसगुल्ला खाना होता था. शी लव्स रसगुल्ला एंड दही, शी इज अ स्वीट ईटर बैडली, मतलब इतना स्वीट खाते, बट नाउ द वे शी इज वॉकिंग आई कॉन्ट टेल यू, आई एम फीलिंग सो प्राउड प्राची, आई एम रियली हैप्पी द वे यू हैंडल. तू मेरे से भी ज्यादा अच्छी है पता है, यू हैव अ लॉट, इसके अंदर बहुत पेशेंस है पापा. ये जैम है, ये काम नहीं करना चाहती है, बट इसके वो मतलब निकालती नहीं है. एग्जैक्टली ये काम नहीं करना चाहते, अदरवाइज बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट और बहुत कंपोज्ड है मेरे मेरे कंपैरिजन. क्या बना देखते हैं. ओ देयर इज चिकन, यम्मी यम, देयर इज राइस, आलू परवल. मैं तो राइस और चिकन खाऊंगी. सुबह सुबह उठ के आई स्टार्ट टू एडिट वीडियो, आई हैव टू अपलोड अ वीडियो एंड आई विल शो यू व्हाट माय मॉम इज डूइंग. सो मम्मी ने ठान लिया कि इडली और डोसा मम्मी को अच्छा बनाना ही बनाना है. शी वॉन्ट्स टू एक्सेल जस्ट लाइक मी. मैं अपनी मम्मी के ऊपर गई हूँ, मैं अगर कुछ छान लूँ कि मुझे करना है तो करना है. आज ब्रेकफास्ट में शी गेव मी टू इडली, एक इडली खा ली हूँ, धनिया पत्ते की चटनी, अंडा शी गेव मी, ब्रेड शी गेव मी, ब्रेड आई अवॉइड, एंड डोसा शी गेव मी, बिकॉज हम बच्चा लोगों का बहुत नखरा होता है. तो शी हैज थ्री आइटम्स इन द ब्रेकफास्ट एंड जो खाना खा. एडिटिंग अ वीडियो अभी एडिट करके अभी अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में. बोलूँ ये एंड्रॉइड का ये सैमसंग का एक चीज़ बहुत अच्छा है, फ्लिप फ्लॉप ये बहुत अच्छे से हो जाता है, पॉज कंटिन्यू वो बहुत अच्छे से होता है. आईफोन में मेरे को हर चीज़ स्टॉप कर करके करना पड़ता है. सो व्लॉगिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है. आई मस्ट से आई एम यूजिंग इट नाउ, आई एम लविंग इट. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर डे एंड यहाँ वी जस्ट वोक अप एंड केम टू द स्टूडियो फॉर सम वर्क ट्रांसफर एंड ऑल एंड लाइफ इज गोइंग. Little fun and interesting because I tell you food fam, the thing is आज final day है जहाँ बिटू भैया लोग का फेस्ट का, और मेन डे आज मेन इवेंट है, एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कॉलेज स्टूडेंट्स वॉज अमेजिंग. प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज वो लोग वहाँ पर स्टॉल पर हैं, हम लोग यहाँ पर हर चीज़ पिक्चराइज नहीं कर सकते. जितना जितना क्लिप्स था मैंने ऐड कर दिया है, बट बिजनेस के साथ कॉन्टेंट क्रिएशन इज नॉट ईजी, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू इट, वी विल सॉल्व इट, बिकॉज बैकेंड में भी देखना पड़ता है. बट आज शाम को मैं जाऊँगी, बट आज फ्राइडे है तो फ्राइडे थोड़ा रश रहता है, सो आई डोंट नो मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, बट मैं जाऊँगी बिकॉज मेरे को ना वो कॉन्सर्ट स्कूल का सॉरी कॉलेज का वो कॉन्सर्ट वगैरह देखना, थोड़ा वाइब फील करना है, और वो क्राउड भी देखना है. पीपल आर लविंग द कॉर्न डॉग्स एंड किम्बाप एंड रामेन अप देयर, सो आई वांट टू यू नो कैप्चर दोस टिडबिट्स एंड शो यू ऑल. सो या लेट्स सी शाम को हो पाता है कि नहीं हो पाता. अभी फिलहाल मेरे को कुछ कॉन्टेंट वॉन्टेंट शिफ्ट करना है. आप लोगों का ये जो व्लॉग मैं कर रही हूँ, ये व्लॉग एक एडिट करके डालना है मेरे को. सो या लेट्स डू इट. येलो मेक्स मी हैप्पियर 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 हैप्पियर. Honestly, I feel like traveling. My Lord, honestly. The reason why I traveled, you know, honestly, अरे यार, no Priyanka. My tej, this is happening a lot, yaar. I'm so sorry. The reason why I travel because the kind of content I create जब मैं travel करती हूँ, whenever I meet food fam in person, na, oh my God, every time when they talk about everything. Small thing, tits and bits and everything, it makes me feel so good. I feel that sense of responsibility. I feel that I get that motivation, bhandar of motivation to create more content, good content. Not just content. You won't believe, I just met a food fam last day at the restaurant. Maine last vlog mein bola nahi tha. Last time at the restaurant, food fam from Haryana, she came. And the lady...
she was a huge fan. I was expecting her daughter to be, but it was Monday, I guess. And मैं बहुत Mondays को थोड़ा सा ना काम का बहुत pressure होता है and all this. And आजकल तो weekend भी नहीं हो रहा है because weekend में भी I have to work a lot because जब से Sumo school है, we really need to give time and because it's a huge thing, big thing. So time बहुत देना पड़ेगा. We can't be casual. अगर हम casual हो जाएंगे तो मेरे पीछे 20-30 जन हैं जो काम कर रहे हैं. उनकी लाइफ कैजुअल हो जाएगी ना. तो एवरी डे इज अ चैलेंजिंग डे, एवरी डे इज अ फ्रेश डे, एवरी डे समथिंग न्यू अदर हैपनिंग. सो दिस फूड फैन केम एंड शी लिटरली केम टू मीट मी विदाउट एक्सपेक्टिंग कि मैं उधर होंगी भी कि नहीं होंगी. लकीली मैं उधर थी मंडे को एंड वी मेट. एंड व्हेन वी मेट ना द वे शी सेड एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल एंड हाउ माय वीडियोज आर यू नो समहाउ चेंजिंग हर मूड एंड मेकिंग हर फील गुड. शी इज अ हाउसवाइफ एंड यू नो डिस्ट्रैक्टिंग हर. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई नेवर एवर व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट आई नेवर रियलाइज दैट I can actually be, because I'm such a rodlu behind the camera, you have no idea. I'm a big rodlu, but I'm definitely hardworking girl. I'm not lucky, but I'm very hardworking. And I only believe ki agar kuch paana hai, toh haan mehnat se hi kar sakti hu. Because I don't have a backup, strong backup. I don't have very good luck. But I have achieved whatever I have achieved because of two things. One, my hard work, and second is my blessings. I always believe in karma. But trust me when I say this, I have cried in front of her also. And her daughter might be like, oh my God, simple foodie is crying. But I tell you one thing, honestly speaking, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. आई फेल्ट, आई ऑलवेज सीन अ फूड फैम, फूड फैम, फूड फैम, बिकॉज आई मीन इट. बट व्हेन आई मीट फूड फैम एंड जेन, ट्रस्ट मी व्हेन दे टॉक एवरीथिंग, एवरीथिंग, मतलब ओनली अ ट्रू फूड फैम कैन कनेक्ट टू माई व्लॉग्स, टू माई थिंग्स, जो मेरे को बहुत पर्टिकुलरली देख रहे हैं. शी नोटिस्ड एवरीथिंग एंड व्हेन शी स्टार्टेड ब्लेसिंग मी, आई वॉज रोलिंग विथ टीयर्स बिकॉज दिल से शी वॉज, शी ब्लेस्ड मी. द वर्ड शी सेड मी, आई डोंट हैव द पिक्चर विथ मी एंड आई फील, बट देयर आर मोमेंट्स विच नीड्स टू बी फील एंड कैप्चर्ड. एवरीथिंग कांट बी पिक्चराइज्ड. आई जस्ट बी इन द मोमेंट. टुक लिटिल ब्रेक फ्रॉम द किचन एंड आई बी एडिटिंग अ वीडियो. दैट्स लाइक इतना स्टॉक लेके गए थे, सब खत्म हो गया. अभी वापस मैं स्टॉक फिल करके लेके जा रही हूँ वहां पर. हम लोग कितना स्टॉक बनाए थे इब्रा, कल कितना कॉर्न डॉग बनाए थे? हाँ, 90 से 100 पीस. हाँ, 50 पीस. और अभी फिर जा रहा है, स्टॉक पूरा खत्म हो चुका है, अभी वापस स्टॉक जा रहा है. वाओ, ग्रेट वर्क टीम. बिटू भैया का स्टॉक खत्म हो गया, रिफिल हो गया. अभी बिटू 10 बजे तक टान ले गए, और स्टॉक चाहिए. अभी मेन बैंड आएगा. सॉरी, दिस इज द वाइब. सच अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तेरे से भी ज्यादा हार्ड वर्किंग निकली मेरी बहन. सी शी इज बीइंग, शी इज मैनेजिंग अकाउंट्स एज वेल. लिटरली अपना खुद का स्टॉल में पैसा देके खाना पड़ रहा है, ये लोग मेरे को दे नहीं रहा है, एंटरटेन ही नहीं कर रहा था. सो आई हैव टू पे एन ईट. दूसरा कस्टमर को इतना अच्छे से सजा के दिया, मेरे को इससे दिया है. वहाँ वो लोग स्टॉल लगाया और मैं एज यूजुअल जब भी फेस्ट पे आते ना, मैं हमेशा वरुण से कैश लेती रहती हूँ एंड आई जस्ट कीप ऑन ईटिंग हियर एंड देयर. सो अभी आई हैव कम टू अनदर स्टॉल टू बाय शावरमा. अरे उन लोगों को तो खिला दे एटलीस्ट. ले पकड़ एक रोल पकड़. मैं फाइनली ब्रेक लेके, शी इज ईटिंग डेजर्ट. ये उतना अच्छा नहीं है, मिल रहा है ना, यही काफी है. अच्छा, स्वीट जेस्चर फ्रॉम द कॉलेज. यहाँ पर पुलाव एंड कौशा मांगशो ये लोग स्टूडेंट्स लोगों को खिला रहा आफ्टर द इवेंट. Which is such a huge line, which is so great, and it's me. I can also participate. I can also take it. So I'll also go and stand in the line. Hey, and being the sweetheart, वो setting करके line में घुसके मेरे लिए बासुंदी पुलाव कौशा मांगशो ला रहा है. ले आया, ले आया, ले आया वरुण मुझे आज. और तेरी वेज भी लेके आया है. वेजिटेरियन के लिए पनीर है, पुलाव और कौशा मांगशो. वाह रे वाह, सही है. वाह, सब सब आ जाओ, खा जाओ. अब आगे नहीं बोलूं. क्या बोले तो बोल बोल. बोले यहाँ का मट्टा मट्टी के खा ले. पट
जल्दी से सब लोग पहुंच गए, अभी सब अनलोड करेंगे सामान। वरुण की गाड़ी में पूरा डिग्गी भरा हुआ है, बच्चा लोग अभी भी वेट कर रहा है और कालू भी हमारे साथ वेट कर रहा है हमारा। ये हमारा छोटा बाबू है, इसको गोलू मोलू बोलते हैं, कालू बोलते हैं। वरुण भैया तुम लेट आए हो, हम तुम्हारे से पहले पहुंचे हैं। वरुण पूरा सामान एक ही गाड़ी में घुसा लिया, वरुण नहीं कर सकता ये सब। है गोलू मोलू अभी बैठो, अभी सेट, अभी सेट, अभी बदमाशी नहीं, अभी सेट, अभी काम करेंगे। पूरा चढ़ गया है, ऐसे कितना सुंदर लग रहा है यार, ऐसे तो बहुत सुंदर लग रहा है। Morning food fam, so the thing is that अभी I have got all ready and I'm going for a shoot and कल literally वहाँ से आने के बाद we were so effing tired and कल हम लोग बहुत late night आए, 12:30 and बाद में जब closing के time पे हो गया था 10:30-11 के आसपास, we dance like anything, कल बहुत dance किया। वेल अभी मैं जा रही हूँ एक फूड फैम के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, सो चलो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेट्स गो।